देवरिया में दो लड़कियों में हुआ प्रेम, रचाई शादी। आपको बता दें, देवरिया जिले के भाटपार रानी तहसील के लार ब्लॉक चनुक्की में स्थित आर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने वाली दो युवतियों में समलैंगिक विवाह किया है। 2 साल से एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह ये दोनों युवतियां साथ रहती थी। मूल रूप से ये दोनों युवतियां वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं और आर्केस्ट्रा में नृत्य करती हैं। जयश्री रावल, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, जो विशाल लक्ष्मीपुर साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, तो वही राखी दास, जिसकी उम्र 23 वर्ष, अक्षय नगर रिफ्यूजी कॉलोनी साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। ये दोनों युवतियां वेस्ट बंगाल से एक साथ आई और चनुक्की में एक आर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करती थी। ये दोनों युवतियां लगभग 2 साल से पति पत्नी की तरह रहती थी। सलीमपुर के मझौली राज में स्थित भगड़ा भवानी मंदिर में सोमवार को एक दूसरे के साथ शादी रचा ली। दोनों युवतियों की शादी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज द्वारा स्थानीय पंडित द्वारा कराया गया। लार थाना क्षेत्र के मठ वार्ड के भेड़िया टोला के रहने वाले मुन्ना पाल लार ब्लॉक के चनुक्की बाजार में आर्केस्ट्रा चलाते हैं। उनकी आर्केस्ट्रा में ये दोनों युवतियां करीब 3 वर्ष से नृत्य करती हैं। 2 वर्ष पहले एक साथ आर्केस्ट्रा में नृत्य करने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों युवतियां की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को भनक तक नहीं हुई और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। सूत्रों की माने तो 30 दिसंबर को आर्केस्ट्रा संचालक और उसके कुछ साथी मझौली राज के दिग्धेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और दोनों युवतियों को शादी करने की बात कही, लेकिन मंदिर के महंत जगन्नाथ महाराज ने उच्च अधिकारियों की अनुमति न होने का हवाला देते हुए वहाँ से लौटा दिया। उसके बाद मायूस होकर सभी लोग वापस लौट गए और भाटपार रानी तहसील जाकर दोनों ने शादी के लिए स्टम्प पेपर खरीदा और उसके बाद शादी रचाई। बीएनवाई न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। तो उसके बिना धीरे धीरे इतना प्यार होने लगे हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ऐसे हो गया है। और फैमिली लोग नहीं चाहते थे हम दोनों एक साथ रहे, अलग करने के लिए बहुत कोशिश किए हैं। उसका नाम पर उसके चलते मेरे नाम पर केस करने के लिए भी हो गया है। मिसिंग डायरी करके मेरा नाम पर केस किया है, उसको हम किडनैप किया है इसी तरह बोले हैं। तो हम थाना पे जाके सबूत दिया है जो हम उसको किडनैप नहीं किए हैं। इसके बाद वो लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के लेके गया था घर में और बहुत इसको परेशान किया था, बहुत मारा है और हमको फ़ोन करके बोल रहा है जो तुमको जहाँ मिलेंगे तुमको मार देंगे हम, मेरा जान का खतरा भी है। तो किन कारणों से आप लोग को आर्केस्ट्रा का भी वो करना पड़ा, डांसिंग प्रोग्राम करना पड़ा? चाहे इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इधर में 8-9 साल मुन्ना भैया का पास काम किए हैं। तो इसके बाद मैं इतना परेशान हो चुके हैं जो कैसे हम इसके किन कारणों से परेशानियां झेलनी पड़ रही थी आप लोग को? और एक बार बोलिए सर, किन कारणों से परेशानियों को झेलना पड़ रहा था आपको? हम दोनों एक साथ रहने चाहते हैं इसीलिए। नहीं नहीं, कोई अप्राकृतिक दुष्कर्म भी करने का प्रयास कर रहा था या कोई दबाव बना रहा था या ऐसा भी कोई संबंध तो नहीं आपके सामने आया था? इन कारणों से आप परेशान? कुछ नहीं, सिर्फ इसको हम बहुत प्यार।